राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। टिकैत जी राम राम। सबसे पहले तो एक लंबा आंदोलन छेड़ा, खूब मेहनत भी हुई, किसानों ने लाठियां भी खाई, झड़पें भी हुई, क्या क्या नहीं हुआ। हरियाणा बॉर्डर पे जो हुआ वो हम सब ने देखा, दिल्ली बॉर्डर पर जो हुआ वो हम सब ने देखा। 14 महीने पूरा देश एक तरीके से किसानों के साथ खड़ा रहा, अंततः जो जिद थी वो तो पूरी हो गई। उसके आगे का रास्ता, क्योंकि कर्ज मुक्ति की बात थी कि किसानों पर जितना भी कर्ज है वो माफ हो, खाद की कीमत में कमी आए, बिजली की जो संशोधन विधेयक लाया गया बिजली को लेकर वो कम से कम विड्रॉ कराया जाए, समिति बने, एमएसपी की गारंटी मिले, मंडी की लूट खत्म हो, हुआ क्या? देखो, इतना होने के बावजूद भी नहीं हुआ तो ये गंभीर सवाल है। अगर ये आंदोलन ना होता तो क्या हालात होती? ये देश आंदोलनों से बचेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से बचने वाला है नहीं। आज जिस तरह से हमको फसलों के दाम नहीं मिलते, फसलें हमारी खराब हो जाती है, जो कंपनी है जो फसल बीमा योजना वाली जो फसल बीमा करती है वो कंपनी गायब है, तो ये सरकारों की एक बड़ी पॉलिसी है। और पॉलिसी है कि किसान खेती से हटे, इनकी जमीनें बिके, बड़े व्यापारी जमीन में आए, ये सरकारों की पॉलिसी है। सरकारों की पॉलिसी अब हम समझ गए। आने वाले टाइम पे आंदोलन ये होगा कि जमीन कैसे बचे। हमारा प्रचार भी अब यही रहता है कि जमीन हमको नहीं बेचनी, हमको संघर्ष और करने पड़ेंगे, फसल रेट के संघर्ष करने पड़ेंगे, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, तो इसके लिए बड़े आंदोलन की देश में जरूरत पड़ेगी। बिजली जिस हिसाब से महंगी होती जा रही, हम बहुत कई स्टेटों की बात करते हैं कि बिजली फ्री देने के वादे करते हैं, बिजली सस्ती देने की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं दी जाती। फसलें जो गवर्नमेंट के रेट भी है उस पर भी खरीद नहीं होती। यानी कि जो फसल एमएसपी जो आज है उसी पे ही फसलों की खरीद हो रही। बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन स्टेटों से सस्ते में फसलें खरीदते हैं, बड़े व्यापारी उसको फिर महंगे रेट में बाजार में बेचते हैं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और सिंडिकेट है ये। और जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिलेगा ये लूट ऐसे ही चलती रहेगी। सरकार झूठ बोलती है 100%। वो कहते हैं जी एमएसपी तो है, थी और रहेगी। हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनना पड़ेगा और उसके लिए इससे भी बड़े आंदोलन की जरूरत है। अच्छा, फिर आपको रेट बढ़ रहे हैं, फिर आपको लग रहा है कि फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, खुश फिर आपको लग रहा है कि आंदोलन आंदोलन के रास्ते पर चलना पड़ेगा। उससे भी बड़ा, उससे भी एक बड़ा आंदोलन देश में होगा। वो ट्रैक्टर के लिए भी होगा, 10 साल पुराने। ये व्यापारी को कैसे फायदा देते हैं कंपनी को कि 10 साल पुराना डीजल वाहन नहीं चलेगा, उसमें ट्रैक्टर भी है, उसमें किसान के खेत में चलने वाला पंपिंग सेट भी है, उसमें जनरेटर भी है, उसमें गांव में गाड़ियां भी हैं, वो सब उसमें ले ली। आप देखोगे कि गाड़ियां भी 10 साल पुरानी नहीं चलेगी। एक डॉक्टर की गाड़ी, एक जज की गाड़ी और किसान का ट्रैक्टर और रोडवेज की गाड़ी को आप कैसे कंपेरिजन कर दोगे, कैसे कैसे मिला सकते? लेकिन उन्होंने ये कहा कि 10 साल से ज्यादा चलेगा ही नहीं। टिकैत साहब, गन्ना बेल्ट है पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और गन्ना न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि हरियाणा में भी बोया जाता है, इसके अलावा उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत बोया जाता है, और सरकार कहती है कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाएगा। फसल भी जो तराई वाली बेल्ट है जी, सरकार कहती है 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन मैं तो क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हूँ और मैं तो जानती हूँ होता है क्या पेमेंट, क्योंकि इस मिल मालिक सालों सालों लटकाए रखते हैं। हुआ नहीं, नहीं, एक साल का भुगतान रह रहा है अभी, पिछले साल का भुगतान रह रहा, खास करके कुछ शुगर फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने भुगतान दे दिया, लेकिन बजाज, मोदी, धामपुर, इस तरह के जो ये ग्रुप हैं ये भुगतान देते नहीं। राणा
जिनके पास में पैसा है भी वो भी नहीं देते। जब तक इनका गन्ना नहीं कटेगा आप दूसरी फैक्ट्री जो पैसा देती है उसको आप डाइवर्ट कर दो। और सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, आप जैसे ऑनलाइन सारा सिस्टम है हमारे फसल को भी ऑनलाइन जोड़ दो। भाई हमने गन्ना सुगर मिल में डाल लिया, जैसे ही गन्ना हमारा डाला उनके मिल में चला गया, उसके बाद में उसका पैसा आप उनकी लिमिट बनाओ ना, आप लिमिट से सीधा पैसा आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो। छोटे किसान कितने दुखी हैं अभी, अगर ये सारी जितनी भी बात आप बता रहे हैं तुरंत, राकेश जी जितनी भी बात आप बता रहे हैं इससे छोटे किसान जो है जी 10 बीघा जमीन है जिनके पास, 15 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन भी है, यही कर कितने दुखी। आपने यही चीज कर दी कि छोटा और बड़ा किसान तो किसान है, सारे तो छोटे हैं, बड़ा किसान है कहाँ यहाँ पे। भाई सीलिंग एक्ट है यहाँ पे, तो बड़ा किसान है, बड़ा किसान तो ना आंदोलन मारता, अगर बड़ा किसान है और ना आंदोलन मारता और जमीन अपने ठेके पे देकर रखता उसे है, क्या जरूरत है उसको इस आंदोलन से भी कोई मतलब नहीं, उसे जरूरत नहीं। कंपनियां हैं, किसान नहीं है। ठीक बात, जिसके पास में 100 एकड़ 200-500 एकड़ जमीन है वो किसान है ही नहीं, और उतनी जमीन किसी के पास में है नहीं, तो बड़ा किसान यहाँ तो है नहीं। कहीं बिहार में जहाँ पे सीलिंग एक्ट नहीं है वहां पे कोई कंपनी आ सकती है, किसान तो कोई है नहीं, और अगर कोई है भी नुकसान में वो भी है, फायदा उसको भी कोई नहीं, फायदा उसको भी क्योंकि मशीनरी से खेती करेगा, लेबर महंगी है, आ रही हूं दोबारा आऊंगी, फायदा उसको भी नहीं किसी को नहीं।